नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत यही न्यूज टाइम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एमपी में चौथा दिन। शाहजहापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को थमाए आलू, कहा सोना बनाए। राहुल बोले मोदी जी चाहते हैं युवा दिन भर मोबाइल में लगा रहे, जय श्री राम कहे और भूखे मर जाए। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान किया संवाद, जनता से किए कई वादे, कहा किसानों को मिलेगी एमएसपी की गारंटी, अग्निवीर योजना को करेंगे बंद। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मीडिया पर भड़की, किया किनारा, कहा हमें बदनाम करके कुछ न कमा पाओगे, मैं बोलती कुछ हूँ और टीआरपी के लिए कुछ और चला देते। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिए जाने पर जीतू पटवारी का तंज, कहा कांग्रेस उनके खिलाफ डॉक्टर केपी यादव जैसा योद्धा चुनाव मैदान में उतारेगी। छतरपुर में बसपा के कदावर नेता की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने शादी समारोह से निकलते ही सीधे सीन में मारी गोली, आरोपियों को पकड़ने के लिए एसपी ने संभाला मोर्चा। राजगढ़ में गुस्से में आग बबूला हुआ पति, मामूली विवाद के बाद पत्नी को एयरगन से उतारा मौत के घाट, पुलिस ने पति सहित सास ससुर के खिलाफ दर्ज किया केस। भोपाल के बंसल कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर सीबीआई का शिकंजा, रिश्वतखोरी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दो अधिकारी समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी, 16 अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान जारी। बालाघाट में 10,000 रिश्वत लेकर रोजगार सहायक भागा, जबलपुर लोकायुक्त टीम में दौड़कर पकड़ा, पीएम आवास की तीसरी किस्त के लिए मांगी थी 15,000 की रिश्वत। डिफेंस की 500 एकड़ जमीन माइनिंग के लिए दिए जाने पर हाईकोर्ट सख्त, जमीन में घपले को लेकर जवाब नहीं देने पर पन्ना महारानी कलेक्टर और राज्य सरकार पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना। बाबा महाकाल की शरण में गदर चूके एक्ट्रेस सिमरन कौर, नंदी हॉल में बैठकर लिया आशीर्वाद, कहा बाबा की भस्म आरती में सभी को एक बार होना चाहिए शामिल। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।